अस्सलामुअलैकुम डियर फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर फैल्कन्स, आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 16 है। सारे बच्चों ने अपना अपना पेज नंबर जो है वो 37 ओपन करना है। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 37 ओपन करें। पेज नंबर 37 पे आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है यूज सिंबल्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। कंपेयर द फ्रिक्शंस। हम लोगों ने फ्रिक्शंस को कंपेयर करने के लिए सिंबल्स को यूज़ करना है। इससे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन से इक्वल आना है, कहाँ पे जो है वो ग्रेटर और कहाँ पे लेस। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक मेथड हमारे पास आएगा, हमें पता चल जाएगा कि उससे कैसे हम लोग जो है वो साइन जो है वो इजीली अपना फाइंड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखें, ये वाला क्वेश्चन है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग गौर से देखें प्यारे बच्चों। हम लोगों को, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पे भी जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं होंगे उनको करना है सेम। उनको क्या करना है, सेम करना है। जब हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे देन हमें ये ऊपर वाले जो डिजिट्स होंगे वो हमें पता चल जाएगा इनमें से कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर, तो हम लोग साइन इक्वली अपना लगा सकेंगे उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। हम लोगों ने क्या करना है, 5/6 है और 10/12 है। हम लोगों ने ये पहले वाला जो है वो नंबर ले लेने हैं, फ्रिक्शन ले लेनी है 5/6। हम लोगों ने इसको इसके दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे हमने इसको लेना है, इस वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने इसको लेना है और इसके वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये जो होगा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर। दोबारा रिपीट कर दूं, हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वाले नंबर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरे को पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन आप लोगों को नज़र आ रही है उसमें पहला मैंने लिया 5/6, मल्टीप्लाई किससे करना था, इस वाले के डिनोमिनेटर से। अच्छा, मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे नहीं करना, डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में भी करना है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12/5 = 60, 12/6 = 72। अच्छा, अब दूसरा नंबर ले लिया 10/12, 10/12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले के डिनोमिनेटर से, ऊपर भी नीचे भी, 10/6 = 60, 12/6 = 72। अच्छा, अब देखें प्यारे बच्चों, दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, नोमिनेटर भी, इट्स मीन ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे मैं लूँगी 3/4, क्या लिया मैंने, 3/4, 3/4 को ऊपर और नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले के डिनोमिनेटर से, यानी कि 8 के साथ। जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8/3 = 24, 8/4 = 32, हो गया। अब मैं अगला नंबर लूँगी, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, 7/8, 7/8। अब इस दोनों को मैंने इन इस वाले के फर्स्ट वाले फ्रिक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया 7/4 = 28 एंड 7/8 = 32। अब देखें 24/32 यानी कि 24/32, 28/32, इनमें से ये वाला क्या है, ग्रेटर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे 3/4, ये वाला था 3/4 का, ठीक है, और दूसरा क्या था 7/8, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 7/8 वाला, तो हमारा साइन जो है वो इस साइड पे हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर क्लास सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सारे के सारे बहुत ही आसान हैं। आप लोगों ने इसी मेथड से ये क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ आप लोगों के टोटल जो हैं वो 2, 4, 6 क्वेश्चन हैं। 2 मैंने कर दिए हैं, मैंने मेथड समझा दिया है कि आप लोगों ने ये जो फ्रिक्शन दिए हुई हैं इनको फर्स्ट वाले को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो जो फिर देखना है नोमिनेटर में कौन सा ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगा हमारे साइन जो है उस साइड पे ओपन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगे। आप लोगों ने ये जो पेज नंबर 37 है इसको आप लोगों ने अपनी अपनी जो है वो कॉपीज़ पे, पहले रफ कॉपीज़ पे आप लोगों ने करना है, जब सॉल्व हो गए फिर देन आप लोगों ने नोटबुक पे आप लोगों करना है। जो सवाल ना समझ आए आप लोगों ने उसको टिक लगा के उसकी पिक मुझे भेज देनी है, मैं इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर में करवा दूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्द मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।